जब कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जफर हाशमी, तो घटनाक्रम और आरोपियों की गिरफ्तारी पर एबीपी गंगा ने पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि तीन साथियों के साथ जफर हाशमी को गिरफ्तार किया गया है, सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और भी क्या कुछ कहा सुनते हैं। कानपुर उपद्रव के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरे मामले में मुख्य आरोपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ कानपुर के कमिश्नर मीना साहब हैं। मीना साहब, बताइए कैसे गिरफ्तारी हुई, कहां हुई? देखिए, कल जब ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त हमने 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ हुई, बात हुई, तो जफर हाशमी का नाम आया, तो हमको वहीं से इनके बीच से लोकल इंटेलिजेंस प्राप्त हुई कि ये शायद संभवतः लखनऊ चला गया है। तो इन्हीं लोगों की सूचना के माध्यम से हमने पुलिस टीम लखनऊ भेजी और आज हमको सफलता मिली जब इसको इसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने इसके 6 मोबाइल जब्त किए हैं जो इन लोगों से, और हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, ये किन किन लोगों से टच में था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में किस किस से टच में था, क्या संदेश भेजा था, इंस्टाग्राम में किस से टच था, फेसबुक से किस से टच में था, तो जो इसके लिंकेजेस हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन से हों चाहे व्यक्तियों से हो, उन लिंकेजेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसका पूरा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ इन सब लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत, NSA के तहत जो भी है समुचित कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों का जब्तीकरण किया जाएगा। और ये संदेश हम देंगे कि जो भी दंगाई, जो भी उपद्रवी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस तरह से पूरी घटना हुई, पूर्व नियोजित साजिश लग रही है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व नियोजित है या कुछ ना कुछ लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। इस मामले में PFI का भी नाम आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, ये भी कहा जा रहा है कि जफर PFI से जुड़ा हुआ था, क्या सही है? देखिए, अभी PFI के रोल से हम इनकार नहीं कर सकते। हम इन लोगों को रिमांड पे लेंगे, इनके अकाउंट्स हैं और जो हमने 6 मोबाइल जब्त किए हैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये PFI से लिंक्ड है, PFI या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। PFI ने मुझे याद आ रहा है पश्चिम बंगाल में इसी तरह का एक कॉल किया था 3 जून को यहाँ भी कॉल हुआ था, ये कनेक्शन? हाँ, PFI ने वेस्ट बंगाल में कॉल किया था, मणिपुर में कॉल किया था, इन दो के बारे में मुझे जानकारी है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे लिंक होने से अथवा इनसे मोटिवेट होने से इसने यहाँ पर इस बंद का आह्वान किया हो, तो डेफिनेटली इस लिंक को हम लोग देख रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? देखिए, अभी तक 18 लोग कल गिरफ्तार हुए थे, 6 आज गिरफ्तार हुए हैं और अभी काफ़ी लोग धीरे धीरे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया है, गिरफ्तारियां चलती रहेंगी जब तक कि सभी उपद्रवी सलाखों के पीछे नहीं होते। कैमरा सेवक प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कानपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।